उन्होंने विनती की, तू हमें बाहरी गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे, हम उस बाहरी गड्ढे में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भयंकर दुष्ट आत्माओं के कैद का स्थान है और वहां पर बहुत ही भयंकर किस्म से यातनाएं होती हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताएं से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं अधलोक के विषय में। पिछला जो संदेश था हमारा वो अधलोक का पहला भाग था, जिसमें हमने तीन विषयों के बारे में बताया था, यानी पृथ्वी के नीचे। अधलोक का मतलब पृथ्वी के नीचे के स्थान, जिसको सात भागों में बांटा गया है। और तीन भागों के विषय में हम पिछले वीडियो में बातचीत यानी चर्चा कर चुके हैं। वो तीन कौन से थे? पहला कब्र था, दूसरा अंधेरे कुंड थे और तीसरा स्वर्ग। इसके विषय में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाकर बातचीत की थी कि ये सात भाग जो पृथ्वी के नीचे हैं, पवित्र शास्त्र के अनुसार या धार्मिकता के अनुसार क्या है, वो सात भाग क्या है और उनकी स्थिति जो है वो क्या है। आज हम बात करेंगे चौथे भाग के बारे में। चौथा भाग जो है पृथ्वी के नीचे का जो चौथा भाग है उसको कहते हैं नरक, यानी पीड़ा का स्थान। जी हां, नरक या पीड़ा का स्थान जो है इसको कहा गया है। इस स्थान में जो है मरने के बाद जो पापी हैं, जो अविश्वासी हैं, जो धर्म में आस्था नहीं रखते, पाप में पड़े रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, बहुत सी चीजें, वो लोग जब मरते हैं तो उनकी जो आत्मा है वो इस पीड़ा के स्थान में यानी नरक में जाती है, जहां पर जो आग से जलते रहते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, स्वर्ग और नरक। और हर एक धर्म शास्त्र जो है, किसी भी धर्म शास्त्र को उठा के देख लीजिए, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो या सिख का हो, हर एक धर्म शास्त्र जो है स्वर्ग या नरक की बात करता है। और हर एक धर्म शास्त्र में लिखा है कि नरक जो है वो एक पीड़ा का स्थान है, जहां पापी लोगों की जो मरते हैं उनकी आत्मा जो है वहां पर वास करती है। नीति वचन 30 और जब 16 पद पढ़ेंगे आप इसका, तो लिखा है कि इसकी प्यास जो है कभी बुझती नहीं है। यानी ये एक ऐसा स्थान है जहां पर जो है जाने का बाड़ा सा लगा रहता है, हर इंसान वहीं पहुंचता है। हर इंसान पहुंचने का मतलब क्या है कि अगर आप आज के दुनिया के पूरी दुनिया में आज दृष्टि करें तो परमेश्वर पे आस्था रखने वाले पूर्ण रूप से, या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, ना के बराबर कह लीजिए। जो पूरे संसार की जनसंख्या है उसके आंकड़े अगर आप लगाकर निकालेंगे तब मैं बात कर रहा हूं। मैं किसी की आस्था को ठोस नहीं पहुंचाना चाहता। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम जो हैं परमेश्वर में पूरी आस्था रखते हैं, परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं या उसकी इच्छा का पालन करते हैं, परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण में और हमारे दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर के देखने में और हमारे देखने में जमीन आसमान का अंतर है, कि क्या सही माने में हम जो इस समय उसकी आस्था कर रहे हैं या उसके धर्म का पालन कर रहे हैं, सही माने में वैसे ही कर रहे हैं जैसा वो चाहता है, या अपने तरीके से कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं। तो वो बहुत सी चीजें हैं जो, और बहुत सी चीजें पाप में गिनी जाती हैं जो नरक में अर्थात पीड़ा के स्थान में जो है इंसान पहुंचता है। अधलोक को जो है बहुत सी चीजें जो है, अधलोक को भी जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि अधलोक एक ऐसा शब्द बाइबल के अंदर है जिसको नरक के लिए भी प्रयोग किया गया है, जिसको कब्र के लिए भी प्रयोग किया गया है, कब्रिस्तान के लिए भी प्रयोग किया गया है, बहुत सी चीजों के लिए जो है प्रयोग किया गया है। परंतु यहां पर जो है हम जब नरक की बात करते हैं तो अधलोक जो शब्द आता है वो नरक के लिए आता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 18वें पद में क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह जो है वो, यीशु मसीह कहता है, मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है। देखिए, मैं कभी कदार पूरे पूरे
पद को नहीं पढ़ता, मगर रेफरेंस देता हूं आपको। प्रकाशित वाक्य 1:18, यीशु मसीह क्या कहता है इसके अंदर? यीशु मसीह कहता है कि मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है। मृत्यु यानी किसको मृत्यु में जाना है उसकी डोर खोल दिया और भेज दिया। अधलोक यानी नरक, नरक में भेजने का जो है। फिर लूका 16 अध्याय उसका 23 और 24 पद जो है, मैं आपको यहां पर पढ़ देना चाहता हूं। लूका 16 अध्याय उसका 23 और 24 पद, पिछले संदेश में भी इस बात की जो है लूका 16 अध्याय को लेकर चर्चा हुई थी, धनवान व्यक्ति और लाजर को लेकर। तो यहां पर जो है इसका नरक के लिए कि वो पीड़ा का स्थान है कैसे कहा गया है उसके बारे में मैं पढ़ना चाहूंगा। 23 और 24 पद यहां लिखा है, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, ध्यान दीजिएगा, अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। देखिए, मैंने पहले आपको कहा ना नरक क्या है, ज्वाला का स्थान, पीड़ा का स्थान। वहां पर आपको पीड़ा ही पीड़ा लगातार मिलती रहेगी, चैन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है परमेश्वर के विरोध में काम करा। परमेश्वर ने, देखिए, हम लोग कहते हैं ना, सभी लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की और परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया। क्यों बनाया? किसी व्यक्ति की और किसी बहन की, भाई बहन की, किसी की, यानी किसी महिला की, किसी पुरुष की जब शादी होती है, उनके जब बच्चे होते हैं तो वो अपने बच्चों से क्या आशा रखते हैं कि अभी हम इनको पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं और बड़े होकर जो है ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। परमेश्वर ने हमें क्यों रचा, किस लिए रचा? परमेश्वर की भी ये इच्छा है कि हम इस पृथ्वी पर उसकी महिमा करें, उसके कामों का वर्णन करें और उसके सामर्थ्य के कामों को प्रकट करें और उसकी इच्छा को पूरा करें, पाप से दूर रहें। इसलिए परमेश्वर ने जो है, और जो ऐसा नहीं करता है तो परमेश्वर जो है कहता, ठीक है, आप स्वर्ग के काबिल नहीं है, आप नरक के काबिल हैं, आप वहां जाइए, और उसको जो है वहां भेज देता है। और यहां पर जो है वही चीज जो है, जब ये धनवान व्यक्ति ने ऐशो आराम में अपनी जिंदगी बिताई, अयाशी में अपनी जिंदगी बिताई, उसने उस गरीब के ऊपर दया नहीं दिखाई, उसने उस गरीब के ऊपर किसी भी प्रकार की दया भावना उसके अंदर, प्रेम उसके अंदर नहीं था। और इसलिए जब वो वहां गया तो कह रहा है कि मैं पीड़ा में तड़प रहा हूं, इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। यहां पर जो है वो वर्णन किया गया है कि नरक क्या है, जो परमेश्वर का वचन बताता है। पुनर्स्थान के समय जो है ये स्थान जो है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जी हाँ, जब आप प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 5वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनर्स्थान है। जी हाँ, जब दूसरा पुनर्स्थान होगा तो ये सारी चीजें जो है, आप इसका प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 से 15 तक पढ़ लीजिएगा कि ये सारी चीजें जो ये अधलोक वगैरह ये सब खाली होकर कहां चला जाएगा, आग की झील में चला जाएगा। सब कुछ जो है वो आग की झील में जो है वो डाल दिया जाएगा। ये आग की झील के बारे में भी बात करेंगे, परंतु ये अंतिम है। फिर इसके बाद ये देखिए, ये चौथा जो था वो भाग जो पृथ्वी के नीचे था, क्या था? नरक यानी पीड़ा का स्थान था, जहां पर पापी और अविश्वासी लोगों की आत्माएं वास करती हैं, पीड़ा के स्थान में। 5वां है बाहरी गड्ढा। जी हाँ, बाहरी गड्ढे के विषय में जो है हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो लूका 16 अध्याय, फिर से देखिए, लूका 16 अध्याय में जब दोनों लोग, कौन दोनों लोग, यानी धनवान व्यक्ति भी मर गया और लाजर भी मर गया, ये दोनों लोग जब मर गए तो क्या है, एक अब्राहम की गोद यानी शांति के स्थान यानी स्वर्ग लोक में पहुंचा और दूसरा कहां पहुंचा, नरक में यानी पीड़ा के स्थान में पहुंचा। अब इनके बीच में, मैंने पहले भी संदेश में बताया मगर यहां पर जो है भारी गड्ढे के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने पिछले संदेश में कहा था भारी गड्ढा, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां लिखा हुआ है लूका 16 अध्याय और उसके 26 पद में लिखा है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बाहरी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे
वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। देखिए एक भारी गड्ढा है दोनों के बीच, और ये भारी गड्ढा जो है वो जो है किसके बीच में है, स्वर्गलोक और नरक लोक के बीच में एक भारी गड्ढा है जिसको कोई पार नहीं कर सकता। ये पांचवा जो था, ये पांचवा भाग था। आइए हम बात करते हैं छठे भाग के बारे में। छठे भाग में क्या है, जो छठा भाग है पृथ्वी के नीचे का जो छठा भाग है वो है अथाह कुंड। जी हां, उसको कहते हैं अथाह कुंड। अब अथाह कुंड में क्या है, और ये अथाह कुंड का रास्ता पता कहां से है, ये अथाह कुंड का रास्ता भारी गड्ढे से होकर गया है बिल्कुल नीचे, और इस अथाह कुंड में जो है बहुत खतरनाक दुष्ट आत्माएं हैं। जी हां, बहुत खतरनाक जो दुष्ट आत्माएं हैं वो है, और ये मत समझिएगा कि इसको क्या करा जाएगा क्या नहीं। आप जब लूका 8 अध्याय पढ़ेंगे ना 26 से 33 पद तक, यीशु मसीह किसी गांव में गया तो एक व्यक्ति जो था उसको मिला और उसके अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माओं से वो ग्रस्त था, यानी पूरी एक सेना उसके अंदर थी। और जब यीशु मसीह का सामना हुआ तो उन दुष्ट आत्माओं ने कहा कि तू हमें समय से पहले पीड़ा देने क्यों आ गया है, और तू हमें जो है क्या लिखा हुआ है यहाँ, वो उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। आप पढ़ लीजिएगा उसका 31 पद है, लूका 8 का 31 पद, कि उन्होंने विनती की तू हमें बाहरी गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे, हम उस बाहरी गड्ढे में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भयंकर दुष्ट आत्माओं के कैद का स्थान है और वहां पर बहुत ही भयंकर किस्म से यातनाएं दी जाती हैं वहां पर। बड़े समझने की बात है इसको। और प्रभु यीशु मसीह जो है उसने दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी कि वो स्वरों में बैठ जाए, 2000 के लगभग स्वर थे और वो दुष्ट आत्मा उनमें बैठ गई और पानी में गिर गई और वो कहाँ चली गई। लोगों को यही पता है कि वो पानी में जो थे डूब के मर गए, वो आत्मा थी भाई। यीशु मसीह ऐसे कैसे छोड़ देता, कोई उनकी बात दुष्ट आत्माओं की बात थोड़ी मानता, उन्हें वहीं अथाह कुंड में जो है भेज दिया उसने। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय और 1 से 3 पद तक पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब पांचवें सरदूत ने तुर्री फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छों की सी शक्ति दी गई। आप इसको पूरा पढ़िएगा, जरा पूरा नहीं मतलब 11 पद तक पढ़िएगा। उन्हें शक्ति दी गई कि 5 महीने तक उन मनुष्यों पर जिन पर परमेश्वर की मोहर नहीं है पीड़ा पहुंचाए। उन मनु अब कहा क्या खोला गया, अथाह कुंड खोला गया। अथाह कुंड में से अब टिड्डियों के समान निकली है। देखिए टिड्डी जो है देखा जाए तो भयंकर किस्म की होती हैं। अब वो पूरे झुंड की झुंड आती हैं और मिनटों में सारी फसल को छट कर जाती हैं। मगर ये टिड्डियां किस तरीके, देखिए ये रहस्य है और ये इन चीजों को मैं बहुत डीपली नहीं जाना चाहता हूं, बस ये बताना चाहता हूं कि अथाह कुंड खोला गया और उसमें से मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाने के लिए जो पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी के नीचे नहीं, अब पृथ्वी के नीचे से उन टिड्डियों को उन भयंकर चीजों को निकाला गया और मनुष्यों को, ताकि वो पीड़ा पहुंचाए जो है, पीड़ा पहुंचाने का जो है काम सौंपा गया। जब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11:7 पद तो यहां क्या लिखा है, जब वे अपनी गवाही दे चुके तो वे पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। देखिए अथाह कुंड में से निकलेगा, अब ये अथाह कुंड में से जो पशु निकलेगा ये है कौन, क्या है भाई ये है? जरा इसको भी देख लेते हैं। ये प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय और उसका 11वां पद पढ़ लें। देखिए वहां पर भी राजा और महाराजा होते हैं, देखिए कैसे करके हैं, यहां जरा पढ़िएगा। अथाह कुंड का दूत उनका राजा था, जो अथाह कुंड का दूत है जो भी वहां जाता है उसको भयंकर यातनाएं जो है वो देता है, ठीक है। और लिखा है उसका नाम इब्रानी में अबादोन और यूनानी में अपुल योन है, इसका मतलब होता है विनाश या विनाशक, इसका जो अर्थ होता है।
यानी वहां पर जाने का मतलब है विनाश ही विनाश करना। अगर वो अथक कुंड में से निकलकर पृथ्वी के ऊपर आ गई तो समझ लीजिए मनुष्यों का विनाश ही विनाश है, खासतौर से उन मनुष्यों का तो विनाश ही विनाश है जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बने रहते हैं या जिन पे परमेश्वर की मोहर या छाप नहीं लगी है, उनका जो है बहुत ही मतलब भयंकर किस्म से जो है उनके पास यातनाएं उनको दे वो देंगी। और क्या लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 17 का 8 पद, जो पशु तूने देखा वे पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं इस पशु की दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा अचंभा करेंगे। कहां से निकलेगा ये पशु? देखिए ये रहस्य है, पशु क्या है, किस चीज को दर्शाया जाता है, ये बातें अलग है, परंतु मैं सिर्फ अथाह कुंड की बात कर रहा हूं कि अथाह कुंड में से निकलेगा और लोग अचंभित होंगे, देखेंगे आश्चर्य करेंगे, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए वो देखकर अचंभा करेंगे। और यही प्रकाशित वाक्य जब आप 20 का 1 पद पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा हुआ है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंची और बड़ी जंजीर थी। अब यहां पर क्या है, अथाह कुंड की कुंची और बड़ी जंजीर थी। अब अथाह कुंड खोला गया और जंजीर से उस इबलीस को, उस शैतान को 1,000 साल के लिए बांधकर डाल दिया गया। 1,000 साल के लिए, ध्यान कीजिएगा, 1,000 साल के लिए बांधकर जो है वो डाल दिया गया है। यहां पर ये बड़ा ध्यान पड़ेगा, इसका 3 तक पढ़ लीजिएगा। ये जो है अथाह कुंड जो है बहुत भयंकर, ये छठा भाग था। अब हम बात करेंगे 7वें भाग की। 7वां भाग यानी पृथ्वी के नीचे स्थान का जो है 7वां भाग है, जिसे आग की झील कहा गया है। ये आग की झील जो है इसको जो है अंतिम न्याय किया गया, जब इस दुनिया का अंत होगा और न्याय होगा और जितने भी दोषी हैं, जितने भी लोग हैं, सब अनंत काल के लिए, युगान युग के लिए जो है इस आग की झील में डाल दिए जाएंगे और इस आग की झील से वो दोबारा निकलने नहीं पाएंगे। और ये आग की झील जो है ये दूसरी मृत्यु है, इसको दूसरी मृत्यु कहा गया है। यानी पहली मृत्यु जो मनुष्य मरता है उसमें तो वो जीवित हो सकता है, परंतु जो दूसरी मृत्यु है आग की झील जिसे कहा गया है वो उसमें से नहीं निकल सकता। और ये जब आप प्रकाशित वाक्य 19 का 20 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ये आग की चीर गंधक से जलती रहती है। जी हाँ, गंधक से जल रही है ये, जैसे सदुम और अमोरा पे आग और गंधक दोनों बरसी, यानी गंधक जो है वो आग को बुझने नहीं देती है। फिर क्या लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 20:10 में, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में जिसमें पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिए जाएंगे और वे रात दिन युगान युग जो है उस पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये जो है शैतान और झूठा भविष्यवक्ता कौन है या और झूठा पशु कौन है, ये सारे लोग जो है उसके अंदर डाल दिए जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा परमेश्वर का वचन जो कहता है, 2 रेफरेंस पढ़ाकर खत्म करूंगा। प्रकाशित वाक्य 20:10 उसका 14-15 तक यहां लिखा है, मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए, ये आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वे आग की झील में डाला गया। देखिए क्या क्या चीज डाली गई, मृत्यु और अधलोक, चाहे वो कब्र हो, कब्रिस्तान हो, नरक हो, सब क्या कहां डाल दिए गए, हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिए गए। और ये आग की झील जो है दूसरी मृत्यु है, यहां से कोई भी कभी भी निकल नहीं सकता जो एक बार आग की झील में चला गया। और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला है वो जो है कहां चला गया, आग की झील में जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम जो है पवित्र लोगों का लिखा गया है, कि उनको एक नया जीवन जो है वो मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 21:8 पद को जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट पद है, कि कौन कौन और कौन कौन उस आग की झील में डाला जाएगा, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने यानी घिनौने काम करने वाले और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस आग की झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह है पृथ्वी के अंदर के 7 भाग। कौन कौन से हैं? कब्र है, अंधेरे कुंड है, स्वर्गलोक है, भारी गड्ढा है, और क्या है,
अथा कुंड है और नरक और आग की झील, ये जो है ये सात भाग है आपने देखे पृथ्वी के अंदर के। मैंने पूरी डिटेल में नहीं गया हूं, परंतु आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सी आशीष पाई होगी। प्रभु आप सबको आशीष।